टांडा बरोड दुर्गा कॉलोनी निवासी देवी सिंह बारेला की 2 वर्ष पूर्व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पत्थर मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी फरियादी धर्म पिता देवी सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर घटना में शामिल 4 आरोपियों को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और घटना में शामिल एक आरोपी जगदीश भील घटना दिनांक से फरार था, जिस पर पुलिस अधीक्षक खरगोन ने 5,000 रुपए का इनाम देने की उद्घोषणा जारी की थी। मंगलवार को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि फरार आरोपी नांगलवाड़ी बस स्टैंड में है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बरोड़ श्री लक्ष्मण सिंह लोवंशी के नेतृत्व में टीम आरोपी जगदीश भील निवासी सिलोटिया की तलाश के लिए नांगलवाड़ी पहुंची, जहां आरोपी नांगलवाड़ी बस स्टैंड पर मिला, जिसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। बरोड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सर, इनाम के आरोपी को पकड़ा, क्या मामला था? सर, 30/6/2021 को दुर्गा कॉलोनी में देवी सिंह बारेला को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपी उसी टाइम 30 जून में गिरफ्तार करके उनको न्यायालय पेश कर दिया गया था। एक आरोपी जगदीश पिता मदन घटना दिनांक से ही फरार था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और फरारी वारंट न्यायालय से जारी किया गया था, जिसके तामिली हेतु मेरे द्वारा एवं मेरे स्टाफ के द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और मुखबिर के बताए अनुसार कल जानकारी मिली कि नागरवाड़ी बस स्टैंड पर है, तो हम लोगों ने पुलिस फोर्स को ले जाकर दबिश दी और जगदीश को पकड़ा, जिसको न्यायालय कल पेश किया गया, जो जेल चला गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।